चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये है Xiaomi 12T Pro का। T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, जो उनका T होता है दोस्तों, T एडिशन होता है, वो टेक्नोलॉजी के लिए होता है, परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि 12T Pro में क्या ऐसी खास टेक्नोलॉजी है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है 200 मेगापिक्सल। लेट्स वॉच, लेट्स ओपन। बड़ा बॉक्स है वो अच्छी बात है, छोटा बॉक्स एडाप्टर नहीं होता है। लेट्स ओपन। वैसे आपको बता दूं, ये ग्लोबली और चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और इंडिया में जब आएगा तो इसका नाम Xiaomi 12T Pro नहीं होगा, इधर Redmi के सीरीज में कोई होगा या फिर Xiaomi 12X। आई रियली डोंट नो टू बी ऑनेस्ट विथ यू। ये जो है ये रीब्रांड होके आने वाला है। इसकी जो प्राइस है दोस्तों, ये अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ प्राइस, ग्लोबल प्राइस, तो ये अराउंड 60-65,000 के करीब जाता है। एंड फॉर दैट प्राइस इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ओवर प्राइस। इंडिया में जब रीब्रांड होके आ जाएगा तो शायद ये अराउंड 45-50 तक होना चाहिए, वरना कुछ खैर नहीं, इस फोन की कोई नहीं लेगा अगर उस प्राइस में नहीं आया तो। चलिए बॉक्स के अंदर सबसे पहले सिम कार्ड टूल, then you have lots of documentation, बहुत सारा documentation है, then you have a clear case which is decent quality है, ooh that's a chunky phone, oh and chunky adapter as well, क्यों? क्योंकि ये 120 watt का adapter है दोस्तों, this is 120 watt adapter, so that is good, and USB type C to type A charger है दोस्तों, that's about it, box के अंदर और कुछ नहीं है, let's keep this aside. अब देखते हैं फोन के पास। 200 मेगापिक्सल अल्टीमेट कैमरा है, लीडिंग स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, स्मार्ट 200 वॉट हाइपरचार्ज एंड 120 हर्ट्ज क्रिस्टल रेज एमोलेड डिस्प्ले। ओके, सब देखेंगे, दिस इज बिग। थोड़ा पुराना टाइप का डिजाइन लग रहा है, पीछे से थोड़ा कर्व्ड है, 2-3 साल पहले जैसे डिवाइसेस आते थे वैसे ही है, लुक भी एकदम ट्रेडिशनल लुक कहूंगा। ऊपर एक बड़ा कैमरा है, 2 छोटे कैमराज है, सही में छोटे हैं वो, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फ्लैट डिस्प्ले है, फ्रेम मेटल नहीं है, दैट इज इंटरेस्टिंग, फ्रेम इज नॉट मेटल, लेकिन हार्मन कार्डन ट्यून स्पीकर आते हैं नीचे की तरफ, यूएसबी टाइप सी है। वेयर इज द सिम कार्ड? ओह, सिम कार्ड ट्रे इज बिलो, देखते हैं इसे। ऑलराइट, कभी कभी सिम कार्ड निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, इट हैज अ ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, वजनदार है, दैट्स फॉर श्योर, वजन इसका ज्यादा है दोस्तों, शुड बी 215 ग्राम्स, ओह आउंस में आ गया, ये मुझे ग्राम्स में चाहिए, 210 ग्राम्स है, लेकिन हाथ में लगता है ऐसे हैवी लगता है, ठीक है, मुझे लगा था 215, अराउंड 210 ग्राम्स है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, गिरा के देखना तो होगा, ऐसे स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, नहीं कुछ नहीं, जो आवाज आ रहा है वो OIS कैमरा का है शायद, यस इट हैज OIS कैमरा, स्टडी, बिल्ड स्टडी है इतना कहूंगा, हाथ में जो इनहैंड फील है मैं कहूंगा ओके ओके, स्लिपरी तो डेफिनेटली बहुत है, पीछे कर्व थोड़ा होने की वजह से थोड़ा स्लिपरी जरूर लगता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द फोन। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, सही में डिस्प्ले बहुत अच्छा डिस्प्ले है, एंड दिस इज FHD प्लस प्लस डिस्प्ले, या फिर 2K से थोड़ा कम, आई विल से इट इज 1220p डिस्प्ले, जैसे 1080p होता है फॉर फुल HD एंड, और 1440p होता है तो हम 2K कहते हैं, वैसे ही ये जो है ये 1220p है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है, क्योंकि साइड्स और ऊपर के बेजल्स पतले, चिन भी बहुत पतली है, सो वेरी वेरी मॉडर्न डिस्प्ले, इवन जो पंचोल है दोस्तों बहुत ही छोटा है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, 900 निट्स तक ब्राइटनेस जाता है, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, वेरी नाइस। और एक बात कहूं दोस्तों, एक मैंने चीज नोटिस की जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत स्मूथ लगता है MIUI इंडियन वर्जन जो है ना, थोड़ा मुझे इतना जितना ये स्मूथ लगता है, फिर चाइनीज वेरिएंट, हम चाइनीज वर्जन के MIUI भी देखते हैं, तो ग्लोबल एंड चाइनीज फील वेरी वेरी स्मूथ, इंडियन वेरिएंट में ही कुछ इशू है। वैसे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये 8 प्लस जेन 1 पे आता है, दैट इज वेरी वेरी गुड, जी हाँ, मिलियन के ऊपर स्कोर जाता है। वैसे इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, हमारे पास बीच वाला वेरिएंट है उसका भी स्कोर 1 मिलियन के ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, सो दैट इज गुड। परफॉर्मेंस के मामले में बटरी स्मूथ है दोस्तों, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। 8128 एक वेरिएंट आता है, 8256 जो हमारे पास है, 12256 सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR5 रैम टाइप है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, 120
120 वॉट फास्ट चार्जिंग है, 19 मिनट्स में आपका 0-100% हो जाता है, सो ऑल दैट इज क्वाइट गुड। स्पेसिफिकेशंस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। जब आप गेमिंग करोगे उसके ऊपर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और उधर ही कह दूं कि ये हार्मन कार्डन ट्यून्ड स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, उसकी वजह से खेलते समय स्पीकर पे भी बहुत मजा आएगा, गन शॉट्स वगैरह जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियरली आपको सुनाई देंगे। मल्टीमीडिया के मामले में, बिकॉज डिस्प्ले इज सो गुड, ऑडियो इज सो गुड, मल्टीमीडिया के लिए एब्सोल्युटली बिग थम्स अप। अगर थम्स अप नहीं दूंगा या थोड़ा बहुत दूंगा भी तो कैमरा के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें HP 1 सेंसर आता है जो थोड़ा पुराना है, अब HP 3 भी आ गया हुआ है। सो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, लेकिन 3 डिजिट से सीधा सिंगल डिजिट पे उतर जाता है दोस्तों। जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। आप सोचिए 200+8+2, वैसे 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है दोस्तों वो नेटिवली 200 मेगापिक्सल से आप क्लिक कर पाओगे फोटोज, 50-55 MB साइज हो जाती है। लेकिन 50 मेगापिक्सल का भी एक स्टेप आप ले सकते हो जहां पे 50 मेगापिक्सल के फोटोज आप निकाल पाओगे। वैसे इट इज अ टिपिकल कैमरा के बारे में बात करूं तो टिपिकल जो एक Xiaomi का कैमरा होता है वैसे ही कुछ है। इसमें प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का दे दिया है, लेकिन बाकी देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट और स्पीक अबाउट। वैसे आगे का जो सेल्फी सेंसर है वो 20 मेगापिक्सल का आता है। बहुत सारे फोटोज वगैरह अलग अलग कंडीशंस में हमने खींचे हुए, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कहूंगा माय फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ दिस कैमरा एवरेज। वैसे फीचर्स के मामले में एक दो चीजें अच्छी है। एक तो वीडियोग्राफी आप 8K 24 FPS कर पाओगे, वो बहुत कम फोन्स में दिखने को मिलता है। सो 8K है इसके अंदर, एंड देन 4K 60 FPS भी है, सो दैट इज गुड। सुपर स्लो मोशन आता है 1920 FPS का, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। और बाकी जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं कैमरा के वो सब तो है। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। फेस अनलॉक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, दोनों भी अच्छी तरह से चलते हैं। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.2 है इसके अंदर, 4G वोल्ट डुअल 4G वोल्ट वाईफाई कॉलिंग सब का सपोर्ट है। और ये ग्लोबल वर्जन है इसलिए 5G बैंड्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बट जो मेजर 5G बैंड्स होंगे जो इंडिया में सपोर्ट होंगे वो सब आएंगे जब वो इंडिया में रीब्रांड होकर आ जाएगा। वैसे सेंसर्स में भूल गया दोस्तों, इसमें IR ब्लास्टर भी आता है जो बहुत सारे Xiaomi फोन्स में आता है, इसमें भी आता है दोस्तों। और 3 कलर वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, ब्लू, सिल्वर एंड ब्लैक। हमारे पास जो वेरिएंट है ब्लैक। वैसे बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें IP सर्टिफिकेशन नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, सो इट इज व्हाइट लिस्टेड। हाँ, लेकिन डॉल्बी विजन नहीं है इसमें। जी हाँ दोस्तों, यही है Xiaomi 12T Pro। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, दिस इज अ ग्लोबल वर्जन, ये चाइना में भी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में अलग नाम से आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है किस प्राइस पे आता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर एनीवन इज गोइंग टू बाय, वेदर इट इज अ इंटरेस्टिंग डिवाइस, एक्साइटिंग डिवाइस और अ डिसअपॉइंटिंग डिवाइस। किस प्राइस पे आएगा? अगर ये 40-45 की प्राइस रेंज में आता है तो मैं कहूंगा इट इज एक्साइटिंग, 45-50 मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग, लेकिन 50,000 के ऊपर इसकी प्राइस आती है दोस्तों, डेफिनेटली इट विल बी डिसअपॉइंटिंग। वैसे दोस्तों आपको एक सवाल है, जो लोग आते हैं हमारे वीडियोस देखते हैं अच्छे भी लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।